हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लंबे लहराते बाल हर किसी को पसंद होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लंबे बाल पसंद हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, काले, घने हो, सिल्की हो, स्मूथ हो, आपके बालों में शाइन हो, तो इस नुस्खे का यूज करके देखें और आपके बाल नेचुरली इतने तेजी से लंबे हो जाएंगे कि आप देखकर खुद ही इतने हैरान रह जाएंगे। फ्रेंड्स, लंबे बाल से हम न्यू हेयर स्टाइल बना सकते हैं और जिससे कि हमारी ब्यूटी को चार चांद लग जाते हैं। चाहे हम सांवले रंग के क्यों ना हो, अगर हमारे बाल लंबे हैं और देखने में बहुत ही सिल्की साइन स्मूथ है, तो सभी की नज़रें हम पर टिकी रहती है और वो जाकर भी अपनी नज़रों को घुमा नहीं पाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल तेजी से बढ़ें, आपके बालों की जो ग्रोथ है या आपके सर की जो गंजेपन की समस्या है वो दूर हो, तो एक बार इस रेमेडीज का यूज करके देखें, आपकी ये समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। इस रेमेडीज को बनाने के लिए आपको यहाँ पे कर्ड लेनी होगी, यानी कि दही। फ्रेंड्स, अगर आप गर्ल्स हैं और आपके बाल लंबे हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दही के लेने होंगे, और अगर आप बॉयज हैं तो फ्रेंड्स आप 1 से 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं, जितनी कि आपके बालों में आसानी से और अच्छे से लग जाए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें सेकंड चीज ऐड करनी है, विटामिन ई कैप्सूल। फ्रेंड्स, इससे हमारे बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। आपको इवोन कंपनी 400 mg का एक कैप्सूल इसमें ऐड करना होगा। कैप्सूल को ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा आंवला पाउडर। फ्रेंड्स, आप पिसा हुआ आंवला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास साबुत आंवला है तो आप उसका घर पर पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे फ्रेंड्स हमारे बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है और हमारे नए बाल आते हैं। साथ ही साथ ये हमारे सफेदपन की समस्या को दूर करता है और हमारे बालों को तेजी से बढ़ाने में भी सहायक होता है। आप फ्रेंड्स इसमें लगभग 2 चम्मच के लगभग आंवला पाउडर को ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें ऐड कीजिएगा आलमंड ऑयल। फ्रेंड्स, आप किसी भी अच्छी ब्रांड के आलमंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स इसमें लगभग 1 चम्मच के लगभग आलमंड ऑयल को ऐड करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप 1 चम्मच इसमें आलमंड ऑयल को ऐड कर दीजिए और इसके बाद आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप इसे जब मिक्स कर चुके होंगे अच्छे से, तो आपको इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना होगा, ताकि फ्रेंड्स हमने जो इसमें आंवला पाउडर ऐड किया है वो अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये हमारा मिक्सचर भी अच्छे से फूल चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह से एकदम स्मूथ और बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आपको फ्रेंड्स इसे अपने बालों की जड़ों में पहले मसाज कीजिए। 10 मिनट की मसाज के बाद पूरे बालों में इसे अच्छे से लगाइए और फ्रेंड्स इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, लगभग आप इसे अपने बालों में 2 घंटे पहले लगाएं सर धोने से। 2 घंटे फ्रेंड्स आप इसे अपने बालों में लगा कर रखें और उसके बाद फ्रेंड्स पहले आप गुनगुना पानी लेकर नॉर्मल पानी से ऐसे ही फ्रेंड्स अपने बालों से इस मिक्सचर को निकाल लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों में शैम्पू कीजिए। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आप वीक में एक बार जरूर यूज कीजिए और लगातार फ्रेंड्स आपको 4 वीक तक इसका यूज करना है। एक ही वीक में आपके बालों का झड़ना, गंजेपन की समस्या दूर हो जाएगी और आपके बाल तेजी से ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेमेडीज। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।